इधर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वीडियो नंबर 12 में आई वेलकम यू एंड यहाँ पे हम देखने वाले हैं फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला एज वेल एज सेकेंड रिकरेंस फार्मूला। बिल्कुल मैं आपको सामने बिल्कुल प्रूफ करके बताऊंगा। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको इस वीडियो को लाइक करें और इस पूरे प्लेलिस्ट को, ओके, इस पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अपना एक छोटा सा सपोर्ट दें मुझे। ओके, यस, विद दिस विल स्टार्ट विद दिस, दैट इज फर्स्ट रेकरेंस फार्मूला। तो पहले रेकरेंस फार्मूला अपना क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू जे एन एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन इंटू जे एन माइनस वन एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे सिंस वी नो दैट। देखो हमको पहले करना क्या है, जे एन एक्स देखना है, फिर हम क्या करेंगे एक्स की पावर को एक्स की पावर एन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस पूरे को हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो हम देखेंगे उसके बाद मुझे ये जो रिजल्ट है वो मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फाइन, सिंस वी नो दैट जे एन एक्स इक्वल्स टू समेशन आर इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन पावर आर एक्स अपॉन टू पावर एन प्लस टू आर इंटू वन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू गामा ऑफ एन प्लस आर प्लस वन। ओके, अब हम क्या करेंगे, x की पावर n को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखो अपना क्या बन जाएगा, यस, x टू द पावर n इंटू जे एन एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो x कहाँ पर, यहाँ पर है कि नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे x की पावर n प्लस टू आर लिखेंगे और नीचे 2 की पावर n प्लस टू आर लिखेंगे। अब चूंकि मैं x की पावर n को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे n है और यहाँ पे n है, तो अपना क्या होगा, ये 2n बन जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे एज इट इज आएगा, दैट इज समेशन सॉरी समेशन एन इक्वल आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन पावर आर, यहाँ पर अपना क्या बन जाएगा, यहाँ का एन मिलके अपना क्या होगा, एक्स की पावर टू एन प्लस टू आर अपॉन में टू की पावर एन प्लस टू आर, एज इट इज ये पार्ट रहेगा, दैट इज वन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू गामा ऑफ एन प्लस आर प्लस वन। ओके, अब अगला स्टेप मेरा क्या है, डिफ्रेंशिएट करना। फाइन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे अपन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी कैन राइट दिस एज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू जे एन एक्स एंड दिस इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो, जहाँ देखो मुझे करना क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे एक्स कहाँ पर, यहाँ पर है बस। ओके, तो ये वाला पार्ट पूरा एज इट इज रहेगा, दैट इज समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन पावर आर, यस, यहाँ पर देखो एक्स की पावर टू एन प्लस टू आर है, यहाँ पे अपन टू कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, टू इंटू एन प्लस आर आएगा एंड दिस विल बिकम एक्स टू पावर टू एन प्लस टू आर माइनस वन, ये वाला पार्ट एज इट इज आएगा और ये वाला पार्ट एज इट इज आएगा। फाइन, यस, अब आगे बढ़ते हैं, समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन पावर आर, यहाँ पर ये जो टू है उसको अपन नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा, टू टू द पावर एन प्लस टू आर माइनस वन बन जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, n प्लस आर लिखेंगे और नीचे अपना क्या आएगा, टू टू द पावर, यस, दैट इज n प्लस टू आर माइनस वन बिकॉज ऑफ दिस टू। ओके, यस, अब यहाँ पर जब आपको दिख रहा है ना x की पावर टू एन प्लस टू आर माइनस वन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक x की पावर n को बाहर निकालेंगे, तो x की पावर n जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, x की पावर n प्लस टू आर माइनस वन बन गया। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, गामा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्टोरियल आर लिखा है, तो फैक्टोरियल आर को मैं एज इट इज यहाँ रखूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए वाला फॉर्मूला, दैट इज गामा ऑफ एन प्लस वन कैन बी रिटन एज एन टाइम्स गामा एन। ओके, गामा ऑफ एन प्लस वन कैन बी रिटन एज एन टाइम्स गामा एन, तो यहाँ पर देखो ये अपना क्या मान लो गामा, ये अपना क्या मान लो एन है, तो ये अपना क्या होगा, गामा ऑफ एन प्लस एन हुआ, एन प्लस वन हुआ कि नहीं यहाँ पे, तो ये अपना क्या होगा, एन इंटू गामा एन हो जाएगा। फाइन, यस, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये n प्लस वन एन प्लस आर और ये n प्लस आर में कैंसिल हो गया। फाइन, आगे बढ़ते हैं, ये कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। फाइन, अब यहाँ पर x की पावर n को बाहर निकालूंगा बिकॉज आप देखोगे आपको जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, x की पावर n टाइम्स जे एन माइनस वन टाइम्स x लिखा हुआ है, तो ये जो है ना इसको अपन बाहर निकाल दिए, यस, x टू पावर n समेशन r इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन पावर r, ये एज इट इज है, यहाँ पर इसको अपन बाहर निकाल चुके तो इसको अब मत देखना, यहाँ पर देखो x की पावर 2n प्लस सॉरी n प्लस टू आर माइनस वन, टू की पावर n प्लस टू आर माइनस वन, पावर सेम है तो x अपॉन टू टाइम्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n माइनस वन को मैं साथ में लिख लिया हूँ प्लस टू आर लिख दिया। फाइन, वैसे ही चूंकि यहाँ पे क्या है, n माइनस वन वाला फॉर्मेट में है तो मुझे करना क्या होगा,
यहाँ पे जो एन है उसको मुझे क्या करना है, एन माइनस वन वाले फॉर्मेट में लेके आना है. ओके तो वन अपॉन यस दैट इज फैक्टोरियल आर इंटू गामा ऑफ एन को हम क्या लिखेंगे, एन माइनस वन लिखेंगे. यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे क्या है वन. बेसिकली क्या है मुझे इस वाले फॉर्मेट में रखना है, फाइन इस वाले फॉर्मेट में रखना है. यहाँ पर एन है तो यहाँ पे एन होना चाहिए, यहाँ पे एन होना चाहिए, फाइन. यहाँ पे अगर आर है तो यहाँ भी आर होना चाहिए, यहाँ भी क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए. मतलब टू आर जो है, ओके टू के जो साथ में जो है दैट इज आर, वो आर ही होना चाहिए. ओके तो यहाँ पर देखो, ओके तो यहाँ पे क्या बन चुका था अपना ये, यस इसको मत देखो, ओके सिर्फ यहाँ से इतना देखो. ओके यस तो यहाँ पे एन माइनस वन, तो यहाँ पे हम एन माइनस वन रखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, वन वन कैंसिल होने पर अपना क्या बना, येलो पार्ट बन गया है, फाइन. तो इसको हम क्या बोलेंगे, यस इसको हम क्या बोलेंगे, जे एन माइनस वन एक्स बोलेंगे, फाइन. सॉरी एक्स की पावर एन इंटू जे एन माइनस वन एक्स. तो ये अपने क्या हुआ, फाइनली प्रूफ हो चुका है. यही था जो हमको पहले यहाँ पे प्रूफ करना था, फाइन. अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड रिकरेंस फॉर्मूला. सेकेंड रिकरेंस फॉर्मूला दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर माइनस एन इंटू जे एन एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स टू पावर माइनस एन इंटू जे एन प्लस वन एक्स. ये जो है अब मुझे प्रूफ करना है. तो हमारे पास जे एन एक्स होगा, फिर हम क्या करेंगे, एक्स की पावर माइनस एन को अपन उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको हम क्या करेंगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर हम देखेंगे कि ये रिजल्ट जो है मुझे वहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. ओके यस सिंस वी हैव जे एन एक्स इक्वल्स टू समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन पावर आर एक्स अपॉन टू पावर एन प्लस टू आर इंटू वन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू गामा ऑफ एन प्लस आर प्लस वन. ओके आई फील इतने बार मैं इस फॉर्मूले को बोल चुका हूँ तो आपको जो है अब तक याद हो चुका होगा, फाइन यस yes. अब मुझे करना क्या है, एक्स की पावर माइनस एन को मुझे मल्टीप्लाई करना है, यस yes. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की पावर माइनस एन और यहाँ पे क्या है एक्स की पावर एन प्लस टू आर. तो ये प्लस एन और अपना माइनस एन उतना क्या कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स की पावर टू आर बचेगा. बाकी सब चीज़ें ऐसे टीज हैं, समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन पावर आर, नीचे में एक्स टू द पावर टू टू द पावर एन प्लस टू आर, यहाँ पे जो है वो एस इट इज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा. अब मुझे करना क्या है, इस पूरे को मुझे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है. ओके पूरे को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके ध्यान से एक स्टेप को मैं समझाऊंगा, आपको भी क्या करना है ध्यान समझना है. और ध्यान रखिएगा एक चीज़, प्लीज़ आप कोई भी एक स्टेप को मत खाना, ओके कोई भी स्टेप को मत स्किप करना. भूख लगेगा तो पानी पी लेना, लेकिन ना स्टेप्स को कोई मत खाना. ओके यस डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस पार्ट इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो एक्स बताओ कहाँ पर, यहाँ पर है. तो दिस विल बिकम टू आर इंटू एक्स टू पावर टू आर माइनस वन. बाकी सब चीज़ें क्या रहेंगी, सॉरी एज इट इज रहेंगी, फाइन. अब आगे बढ़ते हैं, यस ओके समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी दिस इज माइनस वन पावर आर. ओके यहाँ पे जो आर है ना उसको मैं यहाँ पे रखा हूँ, लेकिन जो टू है उसको मैं नीचे लेके आऊँगा तो अपना क्या होगा, ये टू टू द पावर एन प्लस टू आर माइनस वन हो जाएगा. ओके ये आर यहाँ पर है और ये टू नीचे आ गया, फाइन. यहाँ पे एक्स टू पावर टू आर माइनस वन और ये वाला पार्ट एज इट इज. लेकिन देखो यहाँ पे क्या क्यों मैं, सिंस वी नो दैट फैक्टोरियल एन इक्वल्स टू एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फैक्टोरियल आर को हम लिखेंगे आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस वन और ये एज इट इज दैट इज गम ऑफ एन प्लस आर प्लस वन, फाइन. ये जो आर है ये इससे कैंसिल हो जाएगा अपना, फाइन. ओके आगे बढ़ते हैं अब. ओके आई होप आपको हर एक स्टेप जो अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ. ओके यस आगे बढ़ते हैं. समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन पावर आर. यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एन चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स की पावर माइनस एन इंटू एक्स की पावर एन वहाँ पर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. वैसे भी देखोगे तो अपने पास प्रूफ में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस एक्स की पावर माइनस एन दिया है कि नहीं, इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं एक्स की पावर माइनस एन इंटू एक्स की पावर एन से हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि ये आपस में कट के क्या रहेगा, इक्वेशन में कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं आएगा. तो ये जो पार्ट है उसको अपन बाहर ले लेंगे और इसको अपन यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लेंगे. ओके यस दिस इज एज इट इज, फाइन. आगे बढ़ते हैं. ओके एक्स की पावर माइनस एन इसको अपन बाहर निकाल दिए हैं, यस समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर माइनस एन को अपन बाहर निकाल दिए, समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन पावर आर, यस. यहाँ पर देखो ये एक्स यहाँ पे एक्स है, तो जो पावर उसको आपस में ऐड कर लेंगे दैट इज एक्स की पावर एन प्लस टू आर माइनस वन. यहाँ पे क्या है टू टू पावर एन प्लस टू आर माइनस वन. तो अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे एक्स अपॉन टू करके इस पावर को अपन यहाँ पे ले लेंगे, फाइन. आगे यहाँ पे आओ इस वाले पार्ट में, अगेन देखो कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं मिलेगा, फाइन. आगे बढ़ते हैं, यस.
एक्स की पावर माइनस एन समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन इंटू माइनस वन पावर आर माइनस वन। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आर माइनस वन लिखा हुआ है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, आर माइनस वन होना चाहिए, और यहाँ पे जो आर है वो भी अपना क्या होना चाहिए, आर माइनस वन होना चाहिए। तो हम उसको आगे जो है डिजाइन करेंगे। ओके यस, तो यहाँ पे बन चुका है ये वाला आर की पावर मतलब माइनस वन पावर आर माइनस वन, यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ओके उसके हिसाब से मुझे पे उसको चेंज करना पड़ेगा। फाइन यस, इस वाले पार्ट को अपन लिखती है और ये अपना एज इट इज है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। माइनस एक्स, ये अपन नेगेटिव वन जो है इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स टू पावर माइनस एन हो जाएगा, समेशन आर इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ये दैट इज माइनस वन पावर आर माइनस वन एज इट इज। फाइन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्स अपॉन टू एज इट इज है, इसको हम कैसे लिखेंगे, एन प्लस वन प्लस टू इंटू आर माइनस वन। ओके यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आर माइनस वन दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर आर माइनस वन रखो और देखो। ओके यहाँ पे इसको रखें तो इसको सिंप्लीफाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा। फाइन, इसको सिंप्लीफाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, इस ये वाला पार्ट मिलेगा। अब यहाँ पर देखो चूंकि इसको इस वाले फॉर्मेट में लिख चुके हैं तो मुझे करना क्या होगा, एन के जगह पे एन प्लस वन लिखना पड़ेगा और आर की जगह पे आर माइनस वन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाओ, वन अपॉन में गामा ऑफ, सॉरी ये अपना क्या फैक्टोरियल, आर माइनस वन एज इट इज आएगा, गामा ऑफ एन की जगह हम क्या लिखेंगे, एन प्लस वन लिखेंगे, आर की जगह हम क्या लिखेंगे, आर माइनस वन लिखेंगे, प्लस वन एज इट इज आएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल होने पर क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा। मतलब यहाँ पे कोई भी चेंज चेंज नहीं हुआ, मतलब सिंप्लीफाई करने पे क्या मिल रहा है, मुझे वही वाला पार्ट मिल रहा है। सिमिलरली इसको भी सिंप्लीफाई करो, यू विल अचीव दिस पार्ट। फाइन, ओके। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जहाँ पे एन है वहाँ पे अपने क्या बन चुका है, यहाँ पे एन माइनस एन प्लस वन बन चुका है कि नहीं, यस। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, यस दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ एक्स टू पावर माइनस एन इंटू जे एन प्लस वन एक्स, और यही था जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ओके यस, यही था जो मुझे यहाँ पे सेकेंड रेकरेंस फॉर्मूला में मुझे यहाँ पे प्रूफ करना था। फाइन, तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर हो चुकी है। वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।